I met Dhoni once in a private event. Oh. Welcome back to the channel again. I hope you guys are doing well. So we'll be starting on vlog here with the same energy and the same intensity. So I'm traveling to Bangalore right now, and this time I'm going to watch an IPL game in Bangalore. You won't believe the next level experience I'm going to get, which you can also get to the Chennai Swami Stadium. And RCB versus CSK is, I think, one of a kind event jahan pe Dhoni plus Virat, wo dono ikhatte ek ground mein honge, and they are going to play against each other. And perks pe bhi aap logo bahut sari crazy cheeze mil sakti hai, jaise signed jerseys, players ke saath access, कुछ बात बात करना है, डू एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शंस विद देम, या तो फिर कुछ भी एक्सक्लूसिव आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी जो कि नॉर्मल ऑडियंस को नहीं मिलती है. बट इफ यू आर गेटिंग रेरियोस फैन बैजेस, देन आप लोगों को ये सारे पर्क्स अनलॉक हो जाएंगे. एंड नाउ एंड पार्ट ऑफ आरसीबी इनर सर्कल आल्सो, ताकि वो सर्कल के अंदर जाके मैं वो बहुत सारी चीजें अनलॉक कर सकता हूँ अपने लिए, जो कि शायद पैसा भी मेरे को कभी खरीद के ना दे पाए. अब चलते, मेरी फ्लाइट है 9:20 में, मैच दिन में जा रहा हूँ एंड कल दिन में रिटर्न आ जाऊंगा. मैच देख के कुछ एक दिन से ज्यादा रुकने वाला बैंगलोर में. मैं जस्ट गोइंग टू वॉच एन आईपीएल गेम एंड इट इज गोइंग टू बी चुम्मा, बिकॉज धोनी वर्सेस विराट है यार. तो गाइस, आई हैव रीच द बैंगलोर एयरपोर्ट. अब यहाँ से मेरे को अपने होटल जाना है, विच इज नियर बाय टू चेन्नई स्वामी स्टेडियम. आई कैन नॉट वेट टू बी इनसाइड द चेन्नई स्वामी स्टेडियम, बिकॉज आईपीएल का माहौल ही अलग रहता है. ऐसा लगता है कि अंदर कुछ पार्टी वार्टी चल रही है और साथ में क्रिकेट खेल रहे हैं. लास्ट ईयर वानखेड़े में देखा था, उससे पहले कोटला में तो देखा ही था, बट नाउ अनदर अचीवमेंट अनलॉक चेन्नई स्वामी स्टेडियम पे. बाकी एक चीज बैंगलोर एयरपोर्ट की सबसे ज्यादा नेगेटिव लगती है, आई नो बहुत सारे लोग आए होंगे बैंगलोर एंड आप लोगों का भी यही एक फीडबैक रहेगा कि पूरा एक घंटा लगता है एटलीस्ट कि आप लोग यहाँ से एयरपोर्ट से अपनी सिटी पे जाओ और सिटी से आपकी जो डेस्टिनेशन लोकेशन है वहां तक पहुंचो. सो इट विल टेक एटलीस्ट 1 आवर, व्हिच इज आई थिंक वेरी टाइम कंज्यूमिंग. बट आई हैव टू से बैंगलोर के एयरपोर्ट का जो उबर पिकअप जोन है सबसे बेस्ट आई थिंक इंडिया में, और ये जो भी प्रोसीजर फॉलो करते हैं इंडिया में, दिस इज लाइक परफेक्ट फॉर एनी कंज्यूमर. बिकॉज आप लोगों को एक ओटीपी आ जाता है और यहाँ पे सेडान सारी खड़ी होती है, आप लोगों को बस ओटीपी बताना है एंड यू आर गुड टू गो. बट दिल्ली और बहुत सारी स्टेट्स में डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं कि आप ओटीपी दो और निकल जाओ, तो गाड़ियां नहीं आती है टाइम से. सुबह भी जस्ट मैं अपने होटल पहुंचा हूं एंड पता नहीं किस तरीके से रात निकली है, किस तरीके से सुबह से मैं बैंगलोर पहुंचा हूं. चिन्नी स्वामी की लाइटें नहीं दिख रही, अरे वो रही शायद वही है. बट ये चिन्नी स्वामी की स्टेडियम लाइट्स नहीं है, उसका बहुत ही डिफरेंट स्ट्रक्चर है. एग्जैक्टली एक घंटे बाद आई जस्ट वोक अप, आई जस्ट टुक शावर, आई एम फ्रेश एंड नाउ आई हैव टू हेड टुवर्ड्स आरसीबी कैफे, जो की चिन्नी स्वामी स्टेडियम के बहुत ही ज्यादा पास. लेट्स गो एंड वॉच आरसीबी वर्सेस सीएसके. बट डर ये लग रहा है कि बस मैं आरसीबी का मैच देखने जा रहा हूँ एंड बस हार ना जाए यार हम लोग. देखो एटमॉस्फेयर देखना है यार स्टेडियम का. लास्ट ईयर क्या था वानखेड़े देखने के लिए, इस साल बॉर्डर कवर्स का ट्रॉफी जो हुई थी उसमें भी टिकट्स ले रखे थे, बस दो टिकटें थी बट जा ही नहीं पाए एक दिन, और पांचों डेज के टिकट थी. बैक इन द ऑटो बैंगलोर सिटी, इट इज मेरे को जाना आरसीबी कैफे, पर भैया ने थोड़े बहुत एक्स्ट्रा प्राइसेस चार्ज कर लिए हैं. एंड रीजन उनका ये कि आज क्रिकेट मैच है तो वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी. पूरे टाइम रहता है क्या मैच में, जिस दिन मैच होता है, जिस दिन मैच नहीं होता उस दिन नहीं होता? नहीं नहीं, वो मैच रहता ना तब ट्रैफिक, दूसरा टाइम में जरा नॉर्मल रहता. नॉर्मल रहता है, नॉर्मल रहता, सभी आदमी लोग वो ग्राउंड में रहता. अच्छा, वो ये इधर बहुत. आप विराट कोहली को देखते हो क्या? आप गए हो स्टेडियम कभी? नहीं, तुम देखो जाको. आप क्रिकेट नहीं देखते क्या? यहाँ पे एक तो हिंदी भी उनको ना नॉर्मल समझ में नहीं आती, यू हैव टू मोल्ड इट डाउन टू जो भी साउथ इंडियन हिंदी जो होती है ना, आपको कुछ कुछ वर्ड कैची वर्ड्स बोलने पड़ते हैं. कितना डाइवर्सिफाइड है इंडिया, लाइक आई लाइक दिस थिंग अबाउट इंडिया, पीपल विद डिफरेंट माइंडसेट्स, डिफरेंट लाइफस्टाइल, डिफरेंट थॉट प्रोसेस, डिफरेंट फैन कल्चर ऑल्सो. आई थिंक आरसीबी हैज वन ऑफ द बेस्ट फैन कल्चर जितनी भी आईपीएल फ्रेंचाइजी है उसमें. दिस इज द चिन्नी स्वामी स्टेडियम, यहाँ पे आएंगे शाम को. बट अभी यार भीड़ देखो अभी से कितनी हो रही है, यहाँ पे चेकिंग भी बहुत ज्यादा है. सीएसके फैंस भी है यहाँ पे और आरसीबी फैंस तो है ही ऑब्वियसली. ओह माय गॉड ब्रो, ये कबन पार्क शायद से मेट्रो स्टेशन है यहाँ का. इतने यहाँ नहीं जाना, अभी अभी आगे जाना. तेरा 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 भैया. नहीं 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 नहीं, थैंक यू. ये
ये सारे NCA वाला एरिया है। तो दिस इज द चर्च स्ट्रीट और शायद यहीं से MG रोड भी बहुत ज्यादा पास है, जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा आया हूँ शॉपिंग करने के लिए। लास्ट बैंगलोर वाला व्लॉग में यू मस्ट हैव नो, मेरा भाई आया था मेरे को शॉपिंग कराने के लिए, बट अब वो खुद डेली बैठा है। बट लोग अभी भी आ रहे हैं भाई, वो भाई कितनी पुरानी जर्सी RCB की, छोटा विराट कोहली। बट CSK फैंस भी कम नहीं है यार पूरे स्टेडियम में। दिस इज द RCB कैफे, यहाँ पे मैच के पहले सब लोग चिल कर रहे हैं। स्टेडियम बहुत ही ज्यादा पास है, आई थिंक 100-200 मीटर्स के अंदर ही है। 2 मिनट्स यू कैन रीच फ्रॉम RCB कैफे टू चिन्नास्वामी स्टेडियम। चले फिर ऊपर, मेरे ऊपर जाने का ज्यादा मन कर रहा है। मैं ग्राउंड में आया था, मेरा एक भाई है वो NCA बॉलर था, तो मेरे को ग्राउंड के अंदर लेके गया था। आई नेवर सॉ मैच, कभी नहीं देखा। दिस इज माय फर्स्ट टाइम, ऑल्सो DSLR नहीं है, इस पे आईफोन ओनली, आई हैव टू शूट मेरे को। तो दिस इज RCB बार एंड कैफे, नीचे छोटा कैफे था और ये बड़ा कैफे है। मेन उनका कैफे है, यहाँ पे गेम नाइट्स कह के एक चीज होती है, RCB वाले ही ऑर्गेनाइज करा, फुल बुक्ड हो जाएगा, यहाँ पे खड़े होने की जगह भी नहीं होगी। और ये उनका वो हॉल ऑफ फेम वाला हुआ है, जो है साइड डोर बैच। तो यहाँ पे डिफरेंट आप लोगों को क्लोथिंग देखने को मिलेगी RCB की। दिस इज आई थिंक द ऑफिशियल जर्सी ऑफ दिस ईयर। दिस इज प्रीटी अमेजिंग फॉर अ फ्रेंचाइजी टू हैव यार, सब कुछ है यार यहाँ पे, लाइक दे हैव एवरीथिंग। एबी ने तो गुपचड़ गुपचड़ कर दिया बस साइन में। रात को हम लोग यहाँ आ सकते हैं आफ्टर मैच एक बार, चांस मिल गया अगर घुसने का तो घुस जाएंगे, बट आ सकते हैं। दिस इज मी, ये थर्मल कैमरा है। जैसे IPL में गेम पार्क बना रखे उन लोगों ने हर स्टेट में, ये RCB ने बना रखा है इंडिविजुअली। तो वी गॉट टिकट्स राइट नाउ, देखते हैं कौन से वाले स्टैंड की है। व्हिच आई वाज प्रीटी मच कंफ्यूज्ड अबाउट यार कौन से स्टैंड की, इट वाज अ जनरल हॉस्पिटैलिटी कॉर्पोरेट व्हाटएवर इट इज। कितने लोग आ रहे हैं भाई और मेरे को छोड़ के, और एम आई द ओनली वन? सो आई एम द लकीएस्ट वन। थैंक यू भाई। दिस इज माई टिकट, RCB वर्सेज CSK 7:30 मैच नंबर 24/17 April। टिकट प्राइस देख रहे होगा जिसमें तुम्हारा घर जाएगा। ये सब चीजें पॉसिबल हो पा रही है, मैं घर से निकला, मैं होटल आया, मैं अभी यहाँ पे RCB कैफे बैठा, आप लोगों को कैफे दिखाया, एंड मैं ट्राई करूंगा कि मैं रात को भी यहाँ के माहौल दिखाऊँ, बिकॉज बोथ ऑफ दीज टू गाइज सेट की यार यहाँ पे अच्छा माहौल रहता है, अच्छा मतलब बहुत ही तगड़ा माहौल रहता है, खड़े होने की भी जगह नहीं रहती है ऊपर। चलो बाय बाय, टेक केयर भाई। बहुत लोग मिले, हम लोग जो RCB कैफे में बैठे हुए थे ना, ही वाज आल्सो अ सब्सक्राइबर जो ओन करता है नीचे वाला कैफे। एंड यहीं से प्लेयर्स की भी एंट्री होगी, शायद से टीम बस आई है अभी अंदर। भाई बहुत भीड़ है यार यहाँ पे, धक्का मुक्की हो रही है। तुम्हारे व्हीकल भरते यार, मेल भर के उछल रहा है। टू मच केओस आउटसाइड द चिन्नास्वामी स्टेडियम भाई, शायद से प्लेयर्स ही आ रहे हैं यहाँ पे। कैसे हो भाई? गेट नंबर 13 है मेरा, गेट नंबर 12 जहाँ से प्लेयर्स की एंट्री होगी। CSK वाली टीम थी दोनों की दोनों बस। चलो 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 भाई, बीइंग इन द क्राउड बहुत ज्यादा क्रेजी है यहाँ पे, सारे फैंस पागल हो गए यहाँ पे। चलो कुछ दिखेगा भी नहीं भाई, क्या दिख रहा है इस बस पे अंदर? हॉस्पिटैलिटी बॉक्स जहाँ पे आप लोगों को सब देखने को मिलेगा, सब खाने पीने को मिलेगा। एंड दिस इज द ग्राउंड व्यू, जिस चीज के लिए हम लोग आए हैं। बाहर सीटिंग है एंड ये जो पूरा लॉन्च एरिया है वो आप कोई भी एक्सेस कर सकता है, बट सीटिंग के लिए आप लोगों को आपकी टिकट में जो रो और जो सीट दी गई है वहीं पे बैठना पड़ेगा। फ्रंट व्यू मिलेगा भाई अपने को यहाँ से। फैफ आ गया बैटिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ओ हाँ भाई, हाँ क्यों नहीं, ये रे वेंकटेश प्रसाद, आई डोंट नो हर। नाइस यार, फीलिंग सो गुड टू बी हियर। CSK RCB CSK वर्सेस चल रहा है।
ये वाला मेन पिच कैमरा है ना, तो बहुत ज्यादा पास खड़े यार हम लोग, ये देखो कोहली को यार मैंने लास्ट देखा था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जब धोनी भाई को भी लास्ट तभी देखा 2014 वाले, आज देखेंगे दोनों को साथ में एंड मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट सीजन ही होगा धोनी भाई का तो। महिपाल लोमरोर, हर्षल पटेल भी वहाँ पे कर रहा है डुप्लेसिस का। ये बैट स्विंग देखो यार, दीवाना हो गया मैं इसकी बैट स्विंग का, देखो कब से पुल्ले मार रहा है ये डीजे ब्रावो 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 ब्रावो। कोहली आएगा तो फिर तो खत्म हो जाएगा, कोहली से ज्यादा धोनी भी। आज तो टक्कर का मुकाबला है, सबसे ज्यादा शोर यहीं पे होने वाला आज। और इस मैच के लिए अगर फाफ को कैप्टन ना बनाए यार तो धोनी और कोहली टॉस करने आ सकते हैं, ऐसा होएगा नहीं यार, टू गुड टू बी ट्रू है भाई, ड्रीम हो जाएगा वो। भाई कोहली ने देख लिया, भाई कोहली देख रहा था मेरे को। केतन भी आया क्या आज, अच्छा खेलना पड़ेगा केतन आया देखने। ये वाले स्टैंड को क्या ही व्यू मिल रहा हो यार, वहाँ पे उनकी बैटिंग चल रही है प्रैक्टिस, अभी बस कोहली वेट कर रहा है, कोहली भी आएगा। अगर कोहली छक्का मारे तो यहाँ पे कैच कर सकते हैं। अबे हाँ भाई, ये तो बहुत क्रेजी चीज है, ये लॉन्ग ऑफ वाला एरिया आ गया ना। फिंच और मैक्सी का भरत मिलाप, कुच्ची दी है उसने उसको। वहाँ जड्डू बॉलिंग कर रहा है, इस साइड पर हर्षल पटेल और ये लेफ्ट आर्मर शायद शहबाज अहमद है। भाई मैं तो थल्ला का वेट कर रहा हूँ, बस यहीं से एंट्री मारे सारे पागल हो जाएंगे भाई। भाई कोहली ने धमाल मचा रखा उधर ने प्रैक्टिस करके। बैंड स्ट्रोक्स बैंड स्ट्रोक बैंड स्ट्रोक बैंड स्ट्रोक्स, नाइस बॉल। वहाँ पे डीजे ब्रावो कर रहा है कीपिंग, बैंड स्ट्रोक्स बस करे। यही वो अंकल है जो लड़कियां ढूंढते हैं भाई, मौज ले रहे हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है अवॉइड मोमेंट्स व्हेन मैच इज इन प्रोग्रेस, क्योंकि ये बिल्कुल ही साइड स्क्रीन के ऊपर ही है ये वाला एरिया। धोनी आ जाए यार, धोनी भाई को देखना है, मजा आएगा। आज तो 11 बजे तक निहारूंगा मैं यहाँ पे क्रिकेट के पूरा मैच को। भाई आप कभी किसी प्लेयर से मिले हो क्या एज अ रिपोर्टर? ओनली वन टू वन इंटरव्यू। हैव यू मेट धोनी? नो, नेवर। विराट? आई मेट धोनी वंस इन अ प्राइवेट इवेंट। एज यू कैन सी यहाँ पे तुषार देशपांडे अपना देखो लाइनअप का वो लाइन बना रहा है, सो देट कि मैच के टाइम पे उसका जो रनअप है वो परफेक्टली आए, बट फिर भी नो बॉल तो फेंकता ही है एनीवे। बट यस, दिस इज हाउ इट इज डन प्री मैच, ये सारी चीजें होती है। भाई सारे प्लेयर आ चुके हैं सीएसके के सिवाय धोनी भाई के, यार वी आर सीरियसली वेटिंग, आई थिंक होल स्टेडियम इज वेटिंग फॉर हिम। इट्स 6:30, अभी आधा घंटा और है टॉस होने को। भाई कितने टाइम बाद देख रहा हूँ भाई। सो इट्स अ टॉस टाइम, एमएसडी एंड फैफ दोनों की दोनों विकेट पे जा चुके हैं, देखते हैं कौन जीतता है टॉस। इसकी बैटिंग आती है पहले क्योंकि चिन्नास्वामी है, छोटा ग्राउंड है, छक्के देखने को मिलेंगे आज। आरसीबी हैज वन द टॉस एंड दे इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट। पहले मेरे को लगा कि वो लोग बैटिंग करेंगे 200-250 रन मारेंगे, बट भाई कितना येलो दिख रहा है चिन्नास्वामी में, आप लोग आज देख रहे हो, मतलब अगर आरसीबी और किसी और टीम का मैच हो ना सिर्फ रेड दिखेगा, बट जब सीएसके आ गया मैच में तब पूरा आधा आधा 50-50% है। आरसीबी की टीम रेडी है, वहाँ पे सीएसके के बैट्समैन भी रेडी है, मैच इज अबाउट टू स्टार्ट। यहाँ से कमेंटेटर्स जा रहे हैं ऊपर और नीचे भी आ रहे हैं।
First ball of the match. Bole. Catch! Chaka. Nirudha. रहने की फर्स्ट बॉल और ये डिफेंस नाइस गुड बॉल यार सिराज सब खड़े हो गए यहाँ पे सब पारनेल ने कैच यहीं पे ही पकड़ा था जो सेलिब्रेट कर रहा था ना फुटबॉल वाला बढ़िया विकेट आ गया भाई विकेट में आ गया चौथा लेग साइड चलो विकेट है भाई अगर आज 200 रन नहीं बने ना मेरा चिन्नय स्वामी के छोटे ग्राउंड से भरोसा उठ जाएगा मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे भाई रहाने ने अभी छक्का मारा है बिल्कुल रूफ से पार होने वाली थी बस नाइस शॉट यार यहाँ जाके लगी थी अभी बस बॉल कम ऑन एक विकेट प्लीज भाई रहाने टिक गया शॉट यार भाई मेरे को स्पाइडर कैम के ऊपर लटका दो यार मैं वहाँ बैठ जाता हूँ स्पाइडर कैम के ऊपर बेस्ट व्यू ऐसे उठता हुआ जाऊँगा ऊपर मैं आ गया लड़का अपना दिल्ली का भाई आरसीबी के स्टेडियम में सीएसके चल रहा है हर्षल पटेल ओ शॉट यार केविन पीटरसन इन द हाउस खाना खाने आया भाई अपना भाई कितना लंबा है बट ये भी कमेंट्री कर रहा है ऊपर कमेंट्री करते करते बीच में आया शॉट यार शॉट फील्डिंग करता है यार कोहली चीते की तरह भागता है भाई वो लड़का राम के छोले भटूरे भागते इसके मुंह में मेरे को लेजिट लगा था चौका होगा जिस तरीके का गैप था बट क्या भाग के और ऊपर से ये भी नहीं टाइम आ रही है पहुंचा है पीटरसन के सामने बोलना था यू आर स्टिल धोनीज फर्स्ट टेस्ट विकेट बट बोल नहीं पाया हम लोग रिग्रेट हो गए मेरे को आज रात को यार कैच हो जाता है यार थोड़ा शॉट होता तो देखो यार वी आर सपोर्टिंग आरसीबी बट हम लोगों को धोनी की बैटिंग तो देखनी है अभी देखो 14 ओवर खत्म हो गए 146 रन और कॉन्टेक्स्ट 146/2 बट धोनी भाई लेट ही आते हैं वाला मीम देखा टेम्पो के ऊपर चढ़ा रहा चलो जाओ और मैं आखिरी में आऊंगा बट बीइंग अ सपोर्टर ऑफ आरसीबी हम लोग फिर भी चाहते हैं कि विकेट गिरे और धोनी भाई आए भाई ये तो 220 प्लस लग रहा है स्कोर चलो यार विकेट निकालो धोनी भाई की बैटिंग देखनी है यार कम ऑन हर्षल स्लोअर वन शॉट यार ये शॉर्ट बॉल आज कैसे खेल रहे दुबे भाई अभी आधा सीजन तो भाई आउट होता रहा शॉर्ट बॉलों में आज ही जब मैं आया हूँ देखने के लिए तभी इसको खेलना है बी वन धोनी भाई सबको धोनी चाहिए अभी अब धोनी आना चाहिए भाई कौन आ रहे हैं भाई जड्डू आएगा शायद से पहले तो धोनी से क्या बढ़िया ही ऑर्डर डाला था हर्षल पटेल ने चुम्मा ओपी मजा आ गया भाई दुबे की 50 हो गई यार नाउ वी वांट धोनी अब हो गया भाई भाई कुछ नहीं बोलो बेटा दुबे जी ने बैटिंग बढ़िया करी है अभी छक्का ही मारा है जो 50 पूरी करी है चल ओ I
अभी भी मोइन अली आया यार, नॉट एक्सेप्टेबल. यहाँ से उतर रहे कॉमेंटेटर्स. वेंकटेश प्रसाद बट येलो देखो कितने दिख रहे आप लोग. आई मीन आई कैन नॉट बिलीव इट. और कोई और फ्रेंचाइजी ये सेम चीज नहीं कर सकती. यार पैड तो पहन के रखे आप, विकेट गिरेगी तो धोनी विल बी आउट. चलो 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 विकेट विकेट कमॉन कमॉन. ये बात कैच अप टाइड है यार. ये वाला तो भाई पॉइंट में जो रोका है एक हाथ से फंस जाती है. अरे वाली कैच ना असरंगा के हाथ में भाई 200 बन गए एक 18 ओवर में. पिटाई हो गई है पिटाई भाई. धोनी जैसे स्क्रीन में आता सब चिल्लाते हैं. यार 19 ओवर की आखिरी बॉल है, अब विकेट चाहिए यार हमें कुछ भी करके. कैच यार, लास्ट ओवर बचा है यार. धोनी की बैटिंग देखने नहीं मिलेगी वरना. एक विकेट, बस एक विकेट. वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये. अगर आज नहीं मिला तो फिर पता नहीं कब मिलेगा. ऐसे दिल्ली सीएसके भी होगा, कोटला जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो. भाई यहाँ पे ईगल लड़ रही है भाई स्पाइडर कैम से. ओ भाई साहब विकेट विकेट विकेट. वाइड बॉल. वहीं पे आई है बॉल. हो रही लड़ रहे हैं वहां पे. वो बॉल मांग रहे वो. अबे यार थोड़ी इधर मार देते. छक्का बड़ा लंबा मारा जड्डू ने. भाई इट वॉज अ फन इनिंग्स. अभी मेरे फोन की बैटरी ना 35% हो चुकी है. सीएसके की बैटिंग में ही मैंने लगा दी सारी बैटरी. मैं कुछ चार्ज करने का जुगाड़ है नहीं. सो आई विल रिकॉर्ड थोड़ा बहुत ही. अब मैं ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि विराट कोहली की बैटिंग मेरे को रिकॉर्ड कर. इनिंग ब्रेक हो चुका है. हम लोग ने डिसाइड करा कि हम लोग जाएंगे अभी खाना खा लेते हैं क्योंकि वो कोहली आएगा ओपनिंग. नो मोर वन डाउन प्लेयर इन आईपीएल. सो हम लोग उसकी बैटिंग मिस नहीं करनी. जल्दी से खाना खाते हैं. बूफे इज रेडी. लेट्स गो कोहली. चौका मार के दिखा कोहली. Guys, Kohli and Dhoni in the same frame. Let's go. This is a million dollar vlog. पता नहीं कब. अब ये शायद चीपॉक में RCB versus CSK होगा. उसके बाद पता नहीं अब. Eliminators में मिले तो मिले. Qualifiers में भी. God यार. God बोलते. RCB. Ball यार. Also guys, I'm a part of RCB's inner circle. क्योंकि मैंने खरीदा था RCB के fan badges so that I can access all of the hospitality stand. And also whatever is happening over here, it is only because of the radio. Oh! Oh my God! Oh man! So unfortunate. So unfortunate. भाई कैसे out हुआ यार ये. कैसे out हुआ ये. पैड से लग के फिर विकेट पे जाके लगी है. जैसे कभी कभी डायरेक्ट बॉल लगती है स्टंप में तब भी बेल नहीं करता. सो देयर आर मेनी काइंड ऑफ पर्क्स इनसाइड दिस आरसीबी इनर सर्कल. और इसमें बहुत सारी डिफरेंट टीम्स भी है. चार टीम है टोटल. आरसीबी, केकेआर, पंजाब एंड गुजरात टाइटंस एट दी एंड. अगर आप लोग कोई भी टीम के फैन हो या किसी भी प्लेयर के फैन हो तो आप लोग जाके आप लोग अपने लिए खरीद सकते हो फैन बैजेस. एंड यू कैन एक्सेस प्लेंटी ऑफ थिंग्स लाइक प्लेयर के साथ मीटअप या तो फिर अगर आप लोग के पास ब्रेकफास्ट एरिया का एक्सेस मिल सकता है या तो फिर आप लोगों को यहाँ पे जो जनरल स्टैंड है उसका एक्सेस या तो फिर जो मेरे को एक्सेस मिला है दिस द हॉस्पिटैलिटी स्टैंड. यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट स्ट्रेट अवे ये वाला व्यू मिलेगा. खड़ी हो गई है.
नहीं करेगा पिटाई, मार पड़ेगी मार। Also guys, don't waste your time at all. आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए आएगा एंड मेरी कहते आते ही ये खत्म हो जाएगा क्योंकि आई गॉट द अर्ली एक्सेस। आप लोगों को अर्ली एक्सेस नहीं मिलेगा, आप लोगों को चांस पे डांस मारना है। सो देट यू हैव टू, आप लोगों का बहुत कम टाइम होगा अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए टू गेट ऑल ऑफ द पोक एक्सेस, क्योंकि ये सारी चीजें ना प्राइसलेस होती है। मान लो आपके सामने कोई प्लेयर खड़ा है, आप उससे जाके इंटरेक्ट कर रहे हो, यू कैन डू एनीथिंग डिफरेंट ऑफ हिम, लाइक यू कैन आस्क फॉर अ फोटो, यू कैन आस्क फॉर अ वीडियो, और यू कैन से लाइक हाउ मच यू आर अ बिग फैन ऑफ हिम। और जो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लिमिटेड है और आप लोगों को अभी के अभी जाना चाहिए एंड यू हैव परचेज दैट सो दैट यू कैन गेट ऑल ऑफ दोस गिफ्ट बॉक्सेस या जितनी भी लिमिटेड चीजें जो शायद नॉर्मल ऑडियंस को कभी नहीं मिलेगी। बट इफ यू आर गोइंग टू रेडियोज वेबसाइट एंड अगर वहां पे जाके आप लोग फैन बैजेस खरीदोगे देन ओनली यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल ऑफ दीज क्रेजी थिंग्स जो प्लेयर के साथ, क्योंकि ये प्राइसलेस है। ठीक है, ऑल्सो गाइज इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट पर्क्स है। अगर आप लोग इतना ज्यादा लॉयल्टी प्रूव नहीं कर पाते देन यू कैन गेट द जनरल वाला पर्क, अगर आप लोग प्रूव करते हो देन यू कैन गेट द हॉस्पिटैलिटी वाला पर्क, एंड अगर आप लोग सुपर फैन हो तो आप लोगों को मिलेगा सुपर हॉस्पिटैलिटी वाले पर्क। सो गाइज डोंट मिस दिस चांस क्योंकि as I said this is limited, plus ये चीज आप लोगों को पैसे देने पे भी नहीं मिलेगी। You just have to be a true cricket fan and true loyal fan towards your team and your player whatever you are supporting. Come on yaar, Maxi shot, मौज हो गई भाई, crazy shot, shot भाई मार तो रहा है डुप्लेसी, छुपा सकते हैं भाई। भाई क्या खेल रहा है ये, 13 पे 32। गुड रनिंग यार, गुड रनिंग यार। ओ भाई ये होता है कीपर। भाई ये क्या हुआ, मेरे को तो दिखाई नहीं, स्टैंड के नीचे था बिल्कुल, रहाने दिखाई नहीं। ये अगर हम घर पे देख रहे हो तो पता चल जाता, चैरिस ने छक्का रोका है रहाने ने। ओ भाई साहब, ओ रोक लिया भाई, रोक लिया। हाय, ओ यार, ओ यार, ये क्या सीन है भाई, क्या सीन है भाई। ओ ओ क्या लग रहा है यार, भाई आरसीबी यहां से जीत सकती है। सिंगल, बहुत बढ़िया, ग्रेट है। Max it was worth of experience yaar, maza aa gaya, entertainment on max, let's go, nice bhai, Maxwell dimag se bhi khelta hai, ek chakke ke baad ek single bhi, so out of line, कार पे लगी है ना, मेरे को भी ऐसा लगा।
पे लगी है शायद। शायद स्पाइडर कैम में लगने वाली धोनी ने वही बोला कि उसको ऊपर करवाओ। मेक्सिकन वेव इज गोइंग ऑन, अब मेरी घर से रुक जाएगी। चल रही है अभी भी, चल रही है, ये रुकी नहीं अभी तक। चार हो जाएगा ये तो। भैया ने कैच छोड़ दिया, कैच छोड़ा है, मैच छोड़ा पता नहीं, वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। भाई पूरा क्राउड खुश हो गया, डी के नॉट आउट। हर्षल पटेल आ रहे हैं। शहबाज अहमद आउट हुआ है, अब नहीं लगता है कि अब जीत पाएगी आरसीबी, जो स्टार्टिंग में करा था इन लोगों ने। हम भी निकलते हैं अब थोड़ी देर में बाहर, बट अभी भी वो हिला नहीं है अपनी सीट से, सबके सब लोग बैठे हुए हैं। एवरीवन इज वेटिंग फॉर द लास्ट ओवर थ्रिलर। 10 बॉल में 30 रन चाहिए। यार अब नहीं होगा यार, 10 पे 30 चाहिए। 4 बॉल 17, लेट्स गो, एक छक्का चाहिए। चलो मार दो सकता है यार, एक और। 2 पे 11, लेट्स गो। शॉट यार, ये आउट हो गया, आउट हो गया। चलो भाई, तो हमारे स्टैंड के नीचे चल रही है प्रेजेंटेशन सेरेमनी। सारे प्लेयर्स यहीं पे खड़े, अभी धोनी और कोहली बात कर रहे थे यहीं पे, बट अभी देश पांडे इंटरव्यू दे रहे हैं। बाकी गाइज, मनी कैन नॉट बाय एक्सपीरियंस। लाइक ये जो एक्सपीरियंस मेरे को हुआ है ना, आप लोग भी कर सकते हो। फैन बैजेस खरीदिए, 4 टीम। अभी तो मैं चलो आरसीबी का मैच देखने आया हूँ, अगला आप बताइए कि मैं कौन सा मैच देखने जाऊँ, केकेआर, पंजाब, गुजरात टाइटंस, इन तीनों में से। लाइक लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं अगला मैच किसका देखने और किसका फैन बैज खरीदूं। वी आर गोइंग बैक टू अवर होटल। आई जस्ट मेट वन ऑफ अवर सब्सक्राइबर, व्हाट इज हिज नेम? Very bad, not very badly. We just lost by 9 runs only. What legendary, in front of RCB, nothing is legendary. RCB is the beast. They wouldn't have lost. They were beast. Luck was on CSK. So you are saying that CSK won by luck, not by their skills and everything. No, even it's Dhoni's last match, right? No, it was not Dhoni's last match. No, Dhoni's last match against RCB. No, no, it will again happen in Chipo. Oh, only one match this time. No. Only one. Home and away. 110% sure. Double check. That's it. भाई एक ही मैच था क्या चीपॉक में? भी तो होने वाला है। हां ब्रो, दैट्स इट। नहीं यार, होम एंड अवे दो दो है। दैट्स व्हाई एवरीवन आर स्पेंडिंग सो मच एंड कमिंग ओवर हियर। सो दिस वाज द लास्ट टाइम धोनी वर्सेस विराट। ये मेरे को नया कुछ पता चला। धोनी लास्ट मैच। बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत ज्यादा भीड़ है यार इस स्टेडियम के बाहर ना, ये देखो मेट्रो स्टेशन में तो बहुत ज्यादा भीड़ है, यहां पे एंट्री करने में बैंड बज जाएगी। सो आई एम बैक इन माय होटल फाइनली, बट अभी जो बाहर चेन्नई स्वामी के जो माहौल चल रहा है ना, वो बिल्कुल भी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि आरसीबी वर्सेस सीएसके के जो फैंस है ना, वो बाहर बहुत ज्यादा लीथल हो रखे हैं। मेरे ऑटो वाले तो भाई आरसीबी फैन है, इतना कह रहा है सीएसके फैंस खाते हैं यहाँ पे, सपोर्ट उनको करते हैं। एक तो सीएसके फैन जो जा रहे थे आगे से, उसको रुक के गाली दिया, उसके पैर के ऊपर ऑटो चला दिया। आई मीन लाइक क्या चल रहा है भाई। बट इट वाज अ गुड मैच, आखिरी ओवर तक प्रभु देसाई लेके गया था, बट जीत नहीं पाया आरसीबी। एनीवेज इट वाज अ गुड व्लॉग, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा व्लॉग देख के। अगर पसंद आया तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। मैं मिलता हूं आप लोगों को अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपने। ऑलवेज बाय, टेक केयर, पीस आउट, बाय।